दोस्तों नमस्कार। दोस्तों काफी दिनों से लगातार कमेंट आ रहे थे कि राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी और एलडीसी के अंतर्गत कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों, लेकिन तब तक मेरे पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं था और मैं बिना सबूत के कोई भी बात नहीं करना चाह रहा था दोस्तों। लेकिन आज मेरे पास डाटा भी है, सबूत भी है और बिल्कुल एक्यूरेट डाटा आप उसे कह सकते हैं दोस्तों। अब आपके राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी की पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। फॉर्म आए थे तो ये फॉर्म 2019 में आप लोगों के नवंबर और दिसंबर के अंतर्गत भरे गए थे दोस्तों। अब जब ये फॉर्म नवंबर और दिसंबर के अंतर्गत भरे गए थे तो उसको भी ट्रैक किया गया, क्योंकि आपके जो फॉर्म है दोस्तों वो एसएसओ के थ्रू भरे गए थे। तो मैं आप लोगों को टोटल यहाँ बताना चाहूंगा और आप यहाँ मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो वेबसाइट है उसके अनुसार आप लोगों के जो टोटल है 3,15,455 टोटल फॉर्म अब तक भरे गए थे दोस्तों। अब ये कितनी ऑथेंटिकेट है, क्योंकि उस वेबसाइट पे सारे फॉर्मों का रिकॉर्ड जमा होता है दोस्तों, तो उतने ही फॉर्म ये वेबसाइट अभी तक शो कर रही है। जिलेवाइज सारणी भी यहाँ पर उन्होंने बताई है दोस्तों, तो आप चाहे तो उसे भी वहां पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे दोस्तों कि इससे पहले भी तो फॉर्म भरे गए थे जब ये वैकेंसी कैंसिल हुई थी, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब ये वैकेंसी कैंसिल हुई थी तो उस कैंसिल करते वक्त वापस से फॉर्म भरवाए गए थे उन लोगों से जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था। हालांकि उनकी फीस जो है वो रिमेन कर दी गई थी, यानी कि फ्री फॉर्म को फॉर्म आया था क्योंकि वो पहले फीस भर चुके थे दोस्तों। मैंने भी वो फॉर्म पहले भर रखा था, इसलिए मैंने भी वो फॉर्म वापस भरा था और एप्लीकेशन नंबर डालते ही पुराना वाला मेरी फी माफ कर दी गई थी दोस्तों। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये जो एक्यूरेट डाटा है वो तो मेरे हिसाब से और इस वेबसाइट के हिसाब से दोस्तों निकल कर आता है 3,15,455, और अगर सीटों की एक्यूरेसी के हिसाब से इसको डिवाइड करके बात करें तो एक सीट पर लगभग 80 से 85 का जो मार्जिन है दोस्तों, यानी कि कंपटीशन की लड़ाई आप उसे कहते हैं, वो देखने को मिल रही है दोस्तों। ये तो बात हुई किसकी दोस्तों, ग्रुप डी की। अगर भाई बात करें दोस्तों एलडीसी की, तो एलडीसी का भी डाटा इस वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल जिले वाइज अवेलेबल है, किस जिले से कितने टोटल फॉर्म आए हैं दोस्तों आप देख सकते हैं, और मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने वहां से उसका स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है दोस्तों। तो अगर एलडीसी की बात करें दोस्तों, तो 3,39,501 टोटल फॉर्म एलडीसी के अंतर्गत भरे गए हैं दोस्तों। एलडीसी की अगर बात करें तो 1,750 लगभग वैकेंसी है। अगर एक सीट के ऊपर कंपटीशन की बात करें दोस्तों, तो ये लगभग चला जाता है 192 के आसपास दोस्तों। यानी कि ग्रुप डी में जहां कंपटीशन 80 से 85 है, वह एलडीसी में सीधा ही डबल होकर ये चला जाता है 190 से ऊपर दोस्तों। अब अगर बात करें कि इस पे ऑथेंटिकेट कितना है, इसको बिल्कुल सही माना जाए या नहीं माना जाए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ही उसको फॉलो करती है, गवर्नमेंट के द्वारा ही उसको लाया गया, हमारा तो उसमें कोई रोल है नहीं। और अभी तक आपके पास कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी जो बिल्कुल विद प्रूफ हो दोस्तों। कोई 12 लाख बताता है, कोई 15 लाख बताता है, कोई 16 लाख बताता है, लेकिन इस गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने जानकारी उठाई है दोस्तों। और ग्रुप डी के अंदर जो लोग कह रहे हैं कि पिछले वाले फॉर्म भी काउंट होंगे, तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं कि पिछले वाले फॉर्म को वापस भरवाया गया था। कहने का मतलब पिछले वाले फॉर्मों का कोई मामला नहीं है, बिल्कुल जो भी जानकारी है वो नए फॉर्मों के हिसाब से दी गई है दोस्तों। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर डाटा अवेलेबल है दोस्तों, आप भी जाके देख सकते हैं। इसी बीच एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन भी करना चाहता हूं, लेकिन अभी चैनल नया है, यूट्यूब की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जब तक हमारे 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो जाते हम यूट्यूब के ऐप के जरिए लाइव रेगुलर नहीं कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि लाइव नहीं कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द 1,000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करवाइए, ताकि हम सीधा आपसे लाइव आकर रूबरू हो सके दोस्तों, और इस तरीके से ऑफलाइन वीडियो डालने की नौबत ना आए।